हेलो दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिज़ाइन स्टडी। तो आज हम देखेंगे एनएक्स यूनिग्राफिक्स में ड्राफ्टिंग कैसे किस तरह करते हैं। दोस्तों, मॉडलिंग या फिर टूल डिज़ाइनिंग में ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ड्राइंग समझ में आना चाहिए, ड्राइंग करते आना चाहिए, और ड्राफ्टिंग भी आपको किसी मॉडल की अच्छे से करते आना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं आज ड्राफ्टिंग आपको बताता हूँ, ड्राफ्टिंग के पूरे टूल कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ड्राफ्टिंग के लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट डी आप प्रेस कर सकते हो, या फिर आप स्टार्ट मेनू में फाइल में जाकर आप ड्राफ्टिंग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें A0, A1, A2 और A3 टाइप की शीट्स है, जो कि स्टैंडर्ड शीट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद आप रेशो सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको स्केल कितना चाहिए। ओके, तो ड्राइंग का जो स्केल 1:1, 1:2 या फिर 1:5, जो भी आपको सूटेबल लगता है अपने ड्राइंग के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक व्यू आता है। ओके, तो वो बेस व्यू बाय डिफॉल्ट आता है, तो आप उसको हटा दीजिए। अब यहाँ से एक और ऑप्शन है जहाँ से आप न्यू शीट ले सकते हो। मतलब एक ही मॉडल में अगर आपको दो शीट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप दो शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, तीन शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत सारी शीटें ले सकते हो। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप जिस शीट को एक्टिवेट करना चाहते हो उसको एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, तो मैं शीट 1 पे काम करूँगा। तो ये हमारी बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो इसका वही सेटिंग खुल जाएगा जो हमने शुरुआत में A0 A1 शीट वगैरह के लिए खोला था। ओके, अब यहाँ से व्यू क्रिएशन विजार्ड से आप जो भी स्टैंडर्ड व्यू है उस ड्राइंग के, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और आइसोमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक व्यू आते हैं। ओके, तो आप यहां से आप मैनुअल और ऑटोमेटिक, दो ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हो। ऑटोमेटिक में वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करके आप जो भी व्यू लेना चाहते हो उसको वो एक जगह प्लेस कर देगा। ओके, और यहां से आप लेआउट में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको व्यू हटाना है और जो भी आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट मैनुअली सिलेक्ट करके बड़ा या छोटा आप कर सकते हो, स्केल अपने आप बढ़ जाता है उसमें। ओके, या फिर घटा भी सकते हो स्केल को। उसके बाद मैं ऑटोमेटिक प्रीफर करता हूँ। ऑटोमेटिक में वो अपने हिसाब से ड्राइंग्स को जमा देता है। ओके, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद है बेस व्यू। दोस्तों, बेस व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि बेस व्यू में आपका जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी मॉडल होता है, आप उसके जो बेस व्यू है वो आप ले सकते हो। आप कोई सा भी बेस व्यू सिलेक्ट कर सकते हो, बॉटम, टॉप, साइड या फ्रंट या फिर राइट। ओके, उसको या फिर आप ये ओरिएंट व्यू से आप को जो सा व्यू चाहिए वो आप ले सकते हो। ओके, तो मैं ये व्यू ले लेता हूँ। तो शीट के हिसाब से ये जो व्यू है ये बड़ा है, तो मैं इसकी स्केल कम कर देता हूँ। 1:1, 1:2 में भी ये बड़ा है, तो मैं इसको 1:5 कर देता हूँ। ओके, तो और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं बेस व्यू लेता हूँ उसके बाद वो प्रोजेक्टेड व्यू बताता है। ओके, तो जो कि यहाँ पर है, आप जैसे ही प्रोजेक्टेड व्यू पर क्लिक करते हो तो जो भी आपका व्यू एक्टिवेट है उससे वो एक व्यू को प्रोजेक्ट करता है। ओके, जो कि उसका साइड या फिर फ्रंट व्यू होता है। अब मैं इसको नीचे से एक बार फिर प्रोजेक्ट करता हूँ। ओके, अब उसके बाद है डिटेल सेक्शन व्यू। ओके, तो सेक्शन व्यू से क्या होता है कि आप, तो इसमें दो ऑप्शन है, डायनेमिक और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग। इसमें आप सिंपली सेंटर पे क्लिक करोगे और सेंटर से उस व्यू का एक सेक्शन व्यू कट जाएगा। ओके, और उसके बाद उसको आप प्लेस कर दीजिए। तो ये इस व्यू का एक सेक्शन व्यू है। जो बेस व्यू मैंने लिया था वो बेसिकली एक प्लान व्यू या फिर टॉप व्यू बोल सकते हो आप इसको। और मैं इसको सेक्शन को एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, फिर मैं उसके बाद एक ऑप्शन है डिटेल व्यू। दोस्तों, डिटेल व्यू में आप किसी भी एक इम्पॉर्टेंट जो भी डायमेंशन हो या फिर इम्पॉर्टेंट जो कॉर्नर हो आप उसका एक डिटेल व्यू दे सकते हो, जो कि ड्राइंग में अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसका स्केल बढ़ाकर उसका एक डिटेल व्यू बना सकते हो। तो
ये डिटेल व्यू मेरे कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको इसको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है, एक सर्कुलर और एक रेक्टेंगुलर। ओके, तो आप सिंपली वहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल बनाने के बाद आप इसको प्रोजेक्ट कर देंगे, जिस तरह से बेस व्यू आप लेते हो या फिर आप प्रोजेक्टेड व्यू लेते हो उस हिसाब से ये हो जाएगा। ये डिटेल व्यू मेरे ड्राफ्टिंग में या फिर मेरे इंडेक्स में काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको बता नहीं पाऊंगा। ओके, उसी तरह से ये रेक्टेंगुलर है, आप उसका भी एक डिटेल व्यू बना सकते हो। कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम करे, लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये हैंग होता है जब भी मैं ये टूल का इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरा जो एनएक्स यूनिग्राफिक्स है वो हैंग होने लगता है। तो आप इसका कोशिश कीजिएगा। अब उसके बाद सेक्शन लाइन, अब सेक्शन लाइन से आप जो सेक्शन काटते हो वो उसकी सेक्शन लाइन आप स्केच कर सकते हो। ओके, अब जो भी व्यू सिलेक्ट करना है उस व्यू को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्केचिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है और आप सिंपली सेक्शन लाइन को स्केच कर सकते हो आपको जिस तरह की सेक्शन लाइन चाहिए। ओके, तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, अब ये सेक्शन लाइन बन गई। अब मैं फिर से सेक्शन व्यू पे जाऊँगा। ओके, अब यहाँ से जो डायनेमिक ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कर देता हूँ और जो हमारे पास सेक्शन लाइन हमने बनाई है उस सेक्शन लाइन को मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एक सेक्शन व्यू उसका आ गया। उसके बाद अपडेट व्यू, तो अपडेट व्यू अब जब किसी आप उसी मॉडल में अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, सपोज मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं कंट्रोल एम प्रेस करके मैं मॉडलिंग में चला गया और उसके बाद मैं इसमें एक ऑफसेट लगाता हूँ और इस मॉडल को मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। ओके, अब कंट्रोल शिफ्ट और डी मैं फिर प्रेस करता हूँ और ड्राफ्टिंग में जाता हूँ। अब यहाँ पर वो पहले वाला व्यू दिखा रहा है, जैसे मैं अपडेट व्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, उसके बाद वो पूछता है कि जितने भी सेक्शन व्यू और टॉप व्यू सब हैं तो क्या सबको अपडेट करना है, तो वो सबको अपडेट कर देता है जैसे आप ओके पर क्लिक करते हो। ओके, अब मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ, उस कमांड को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से अपडेट व्यू पर क्लिक करता हूँ तो जैसा भी मॉडल है वो वैसे ही ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। ओके, मैं इसको थोड़ा भी और एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर है रैपिड डायमेंशन, आप इसमें जो भी आपने ड्राफ्टिंग करी है उस ड्राफ्टिंग के आप 1:1 में जो आपने लिया है या फिर जिस भी आपने रेशो में या स्केल में लिया है आप उसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। ओके, जो वही डायमेंशन बताएगा जो कि मॉडल पे डायमेंशन है, तो आप इसको सिंपली डायमीटर आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेडियल डायमेंशन दे सकते हो। इनफर्ड मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनफर्ड में सभी चीज़ें आ जाती हैं, आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस दे सकते हो, रेडियस दे सकते हो, डायमीटर दे सकते हो। ओके, उसके बाद है नोट, आप कोई अगर ड्राइंग है उस ड्राइंग में अगर आपको कुछ नोट देना है जो कि क्रिटिकल डायमेंशन के बारे में हो सकता है या फिर उस ड्राइंग या फिर उस मॉडल की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आप यहां से वो नोट दे सकते हो। जैसे मैंने यहां पर टेक डिज़ाइन स्टडी लिख दिया है, वैसे आप और कुछ भी यहां पर लिख कर उसको नोट करके दे सकते हो ड्राफ्टिंग के अंदर। ओके, तो मैं अपना नाम एडिट कर देता हूं उसमें। दोस्तों ये है फीचर फ्रेम, अब फीचर फ्रेम के ऑप्शन में आप जो भी आपको रिलेशन देना है, अब सपोज मुझे डायमीटर बताना है किसी का और उसकी वैल्यू आप लिख दीजिए उसके अंदर फीचर फ्रेम के अंदर, और उसके बाद ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का सिंबल है और एक एल भी आता है ब्रैकेट के अंदर जो लो मटेरियल कंडीशन का सिंबल होता है। ओके, आप इस फीचर फ्रेम को आप ड्राइंग में जो भी जहाँ पर डायमेंशन इसकी ज़रूरत है जैसे कॉन्सेंट्रिसिटी, फ्लैटनेस या फिर पैरेललिटी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और उसके साथ कोई मैसेज भी अगर आपको लिखना है उससे डायमेंशन से रिलेटेड तो आप इसको दे सकते हो। मैं इसको सर्कुलरिटी का सिंबल दे देता हूँ। ओके, उसके बाद है डेटम का ऑप्शन,
आप किसी भी फेस को या सरफेस को, अभी इस मॉडल में कोई फेस या सरफेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेंटर को सिलेक्ट करके इसको एक डेटम बना देता हूँ, जबकि वो डेटम है नहीं। आप जिसको जो डेटम हो आप उसी को डेटम बनाइएगा, तो आप इसको नेम बदल सकते हो और सिंपली डेटम बना सकते हो। दोस्तों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टूल है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ। अब उसके बाद इमेज इंसर्ट करने के लिए इसमें एक ऑप्शन है, तो आप इसमें जो भी आप कोई इमेज है या फिर आप अपनी इमेज खुद की लगाना चाहते हो ड्राफ्टिंग के साथ, तो आप उस इमेज को भी यहाँ पर ला सकते हो, या फिर कोई अगर ड्राफ्टिंग का आपके पास फोटो है उस मॉडल से रिलेटेड, ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हैचिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हैचिंग की मुझे इस मॉडल में जरूरत है नहीं। तो जहाँ भी क्लोज बाउंड्री होगी, जहाँ पर हम सेक्शन काटते हैं, सेक्शन काटने पर जो क्लोज बाउंड्री जनरेट होती है, आप वहाँ पर सेक्शन लाइन दे सकते हो। यहाँ पर कोई भी क्लोज लूप नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसमें नहीं दे सकता। ओके उसके बाद ये कुछ ड्राइंग का ऑप्शन है, जिसमें अगर आप ड्राफ्टिंग में अगर कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो, अगर ड्राइंग करके अगर आपको डायमेंशन देना है या फिर आप कोई स्केच बनाना चाहते हो, तो आप स्केच भी आसानी से बना सकते हो। और सिंपली जिस तरह से आप स्केच करते हो मॉडल में, उसी हिसाब से इसमें फिनिश स्केच का भी ऑप्शन रहता है, फिनिश स्केच करके आप स्केच कम्प्लीट कर सकते हो। ओके, जो कि ड्राफ्टिंग में रहेगा वो मॉडलिंग में नहीं आएगा। उसके बाद टेबुलर नोट्स रहेगा, इसमें आप रो और कॉलम को आप दे सकते हो और कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, और इस कॉलम में जो भी इन्फॉर्मेशन है बिल ऑफ मटेरियल या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इसमें लिख सकते हो। और यहाँ से आप इसमें एडिट कर सकते हो किसी ब्लॉक की हाइट विड्थ या फिर दो ब्लॉक के बीच में गैप को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद पार्ट लिस्ट, दोस्तों पार्ट लिस्ट तब काम आता है जब आप किसी बहुत सारे पार्ट्स को लेकर आप किसी चीज़ की असेंबली करते हो, तो असेंबली करने के बाद अगर आप उनके नाम उनके क्रम के अनुसार अगर आप रखोगे, तो पार्ट लिस्ट असेंबली में आप जब ड्राफ्टिंग करोगे तो वह उसी के अनुसार पार्ट लिस्ट ले लेगा और उसकी नंबरिंग कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो वह कुछ पार्ट लिस्ट में कुछ शो नहीं करेगा। सिंपली एक उसने टेबल बना दी है जिसमें पार्ट नंबर, पार्ट नेम और ये सब चीज़ें लिखी है। ओके, मैं इसका एक बेस व्यू और ले लेता हूँ, ओरिएंट व्यू पे क्लिक करके मैं इसका एक 3D ट्राइमेट्रिक ले लेता हूँ। ओके, तो ड्राफ्टिंग के साथ अगर आप किसी व्यू का अगर 3D व्यू भी अगर आप बताओगे, तो उस ड्राफ्टिंग को समझने में आसानी होती है। ओके, ये कुछ और टूल हैं लेकिन ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट टूल हैं मैंने आपको बता दिया जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं ड्राफ्टिंग के दौरान। ओके, अब उसके बाद अगर आपको अपनी ड्राफ्टिंग को अगर आपको ऑटोकैड में खोलना है, तो ऑटोकैड DXF और DWG फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करके जहाँ भी आपको इसका पाथ दे दो, आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद आप उसको ऑटोकैड में यूज़ कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। ओके, तो ऑटोकैड में अगर आप ड्राफ्टिंग करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑटोकैड में हमेशा जब भी आप प्रिंटआउट निकालोगे तो हमेशा ड्राइंग का 1:1 में प्रिंटआउट निकलता है। ओके, जो कि एनएक्स से बेटर होता है। ओके, तो ये ऑप्शन है, इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और इसको ऑटोकैड की फाइल बना सकते हो, जो कि केवल ड्राफ्टिंग की ही बनेगी। और उसमें मॉडल वगैरह या फिर 3D मॉडल वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ड्राफ्टिंग की ही ऑटोकैड फाइल बनेगी। ओके, दोस्तों थैंक यू सो मच।